क्लास टेंथ के जैसे जैसे बोर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी में एड ऑन करते हुए आज का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड्स में, ये मोस्टली देख लीजिएगा कि स्टैंडर्ड में आएगा, बेसिक में भी आ सकता है, बट ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसको मैं इजी केवल 3 स्टेप्स में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि केवल 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, प्रूव दैट रूट 7√5 इज इरेशनल। ये आपका क्वेश्चन है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेंगे। फर्स्ट स्टेप, लेट 7√5 इज रैशनल। ठीक है बच्चों, अब 7√5 रैशनल है तो इट विल बी इक्वल टू ए अपॉन बी। यहां लिखना है ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है बच्चों, यहां ब्रैकेट में इसको लिख देना है, रूट फाइव इक्वल टू ए अपॉन 7। ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या लिखना है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो ए अपॉन 7 बी इज रैशनल इंप्लाइज। यहां ये इंप्लाइज का साइन लगाना है, रूट फाइव इज रैशनल, ये लिखना है। बट वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल। फिर थर्ड स्टेप में क्या लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है बच्चों, सो 7√5 इज इरेशनल। ये इसका सॉल्यूशन है। ये जो यहां मैंने 1 2 3 करके लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपके सिर्फ समझने के लिए है कि ये केवल 3 स्टेप में करना है। आपको कंटिन्यूअसली ऐसे करके दिखाना है, केवल 3 स्टेप्स जो मैंने सिखाए। कैसा लगा ये सेशन आप लोगों को कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। फिर मत बोलिएगा सर आपने नहीं बताया ये इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं न्यू सेशन में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।